इन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड हूँ लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूँ मैं री अटायर्ड हूँ <laughs> विक्रम पत्रा पालमपुर पढ़े हुए मनोज पांडे एक नॉर्मल से परिवार से एक नॉर्मल से स्कूल से पढ़े हुए हनीफुद्दीन कैंगरूस कितने ऐसे शहीद कितने ऐसे भारत माता के सपूत कहाँ कहाँ से निकल कर आए हीरे और ये लड़ाई कोई एक कम्युनिटी की नहीं थी क्रिश्चियन हनीफुद्दीन मुसलमान परिवार के हैं देखिए मुशर्रफ ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया था अपनी तरफ से कि सियाचिन की जो लाइफ लाइन है पर टेक्टिकली ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिकली फुलिश सिंपल रूल मैं एक लव्स बोलूंगा एक शब्द बोलूंगा जो पहली चीज आपके दिमाग में बिना टाइम लिए इंडिया कमिटमेंट टूडेज मीडिया Not good. Arnab Goswami. <laughs> he was a good person. I can only say that the at boss. one boss. Boss. Love is essential in life. Romance. Romance, do it with uh, caution. <laughs> only if the other party is willing. Thank you, sir. Thank you very much. Like they say, once an army man, always an army man. Same enthusiasm, same everything. Thank you, sir. <laughs> और कुछ ही नहीं। <laughs> कारगिल विजय दिवस की सेलिब्रेशन को आगे ले जाते हुए आज हम मिलने आए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह जी से जो कि एक आर्मी कमांडर थे वेस्टर्न कमांड में और आजकल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हरियाणा में हैं। सो वेलकम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से हमारे सारे व्यवर्स की तरफ से वी लाइक टू टू थैंक 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 यू 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 फॉर फॉर योर योर सर्विस सर्विस द नेशन सर सर बताएं कुछ अपने बारे में uh, इंद्रप्रीत जी आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया साडा हक चैनल के श्रोताओं के लिए इन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड हूँ लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूँ मैं री अटायर्ड हूँ उन्नीस में मैं एक सैनिक स्कूल में चला गया था दस साल की मेरी उम्र थी और उन दिनों में 65 का वॉर ख़त्म हुआ था तो सब लोग बोलते थे जय जवान जय किसान मेरे पेरेंट्स ने मुझको सैनिक स्कूल भेज दिया 1971 की लड़ाई ख़त्म हुई तो 73 में हमने एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम दिया सिलेक्शन हुआ बिट्स पिलानी के लिए आई एन के लिए जिसको आजकल टीएस एस कहते हैं मर्चेंट नेवी के लिए होटल मैनेजमेंट इवेंट के लिए भी हुआ पर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बोला कि आ, कुक बनने तो अलावा और कुछ भी कर लो तो एन डी जॉइन कर लिया और तब से मैं फ़ौज के साथ ही हूँ किसी न किसी तरीके से जब ये कारगिल की लड़ाई हुई उन दिनों में मेरी यूनिट को तैयार किया जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर में भेजा जा रहा था जो कारगिल में जाना था हमने उसकी हमने रिकॉन्सेंस वगैरह भी की थी लेकिन सच्ची बात यह है कि हम कारगिल नहीं जा पाए लेकिन देखिए क्या मज़ेदार बात है कि जब हम कारगिल नहीं जा पाए तो भी हम जब कहीं भी जाते थे तो ढाबों पे दूसरी जगह पे जहाँ खाना खाना पड़ता था तो लोग हमसे पैसे नहीं लेते थे कहते थे आप तो कारगिल जा रहे हो आप तो हमारे देश के लिए लड़ रहे हो तो ये हमारे देश का एक जज्बा है जिसको ना इतना प्यारा है सलाम करने का मन करता है मन करता है कि इतनी सपोर्ट हमारे देश की हमारे साथ होती है पर होती इसी वक्त पे, जो ही ये वक्त मुश्किल ख़त्म होता है वो सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है और मैं आपकी चैनल के श्रोताओं को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज कारगिल के 21 साल बाद एक कारगिल जैसा वाकया फिर आ गुजरा है वहीं लद्दाख के क्षेत्र में अगर आप लद्दाख को देखें तो लद्दाख दो पार्ट्स में है एक कारगिल का क्षेत्र है जो शिया क्षेत्र है पाकिस्तान की तरफ और एक लद्दाख का क्षेत्र है जो कि तिब्बत की तरफ है तो 1999 में शिया क्षेत्र की तरफ कारगिल में पाकिस्तानी आ बैठे और हमें पता ही नहीं लगा हमको शेफर्ड्स ने गडरियों ने गुजरों ने बताया कि पाकिस्तानी वहाँ बैठे ऊँचाइयों पर और आपकी जो रोड है उसको बंद कर देंगे जो सियाचिन की रोड है ये उनका प्लान था और 21 साल बाद चीनियों ने भी वैसा ही कर दिया वो आए गलवान और दूसरी जगहों पे एक्सरसाइज की शक्ल में आए हमें धोखा दिया लेकिन धोखा तो देखो जियो में धोखा तो होगा क्या हो रहा है हमारे देश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई राजस्थान में बदली जा रही है तो क्या ये धोखा नहीं है फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं चीनी धोखेबाज है चीनी ऐसे कर रहे हैं चीनी इससे चीनियों को रोज एक नई गाली ढूंढ रहे हैं पर क्या हमको इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए एक बहुत बड़ा सवाल है और श्रोताओं को यह सोचना चाहिए कि जो देश मजबूत और तैयार होगा उसके ऊपर कोई भी आंख नहीं उठा सकता लेकिन की बात यह है कि कुछ दिनों में ये क्राइसिस भी शायद खत्म हो जाएगा और हम वापस नॉर्मल एक्टिविटीज पे आ जाएंगे और हम भूल जाएंगे बात सर 99 एक ऐसा समय जिसने हमारे देश को इकट्ठा कर दिया शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के अलावा हम सिर्फ लड़ाई के समय इकट्ठे होते हैं आज सर 2020 21 साल बीत गए उस जंग को जीते हुए लेकिन मेमोरीज आज भी हमारे जहन में जिंदा है आज मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि 99 में जब ये न्यूज़ क्रैक हुई कि हमने कारगिल जीत लिया है तब आपकी फीलिंग्स क्या थी और आज 21 साल बाद आप उस विक्ट्री को कैसे याद करते हैं देखिए इंद्रप्रीत जी जब ये न्यूज़ क्रैक हुई मुझे तो इतनी खुशी होती थी कि उन गाँव के लड़कों ने उन छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों ने विक्रम बत्रा पालमपुर एक नॉर्मल स्कूल के पढ़े हुए मनोज पांडे ये सब परमवीर चक्र के नाम ले रहा हूँ मैं सबके वैसे नाम नहीं ले रहा मनोज पांडे एक नॉर्मल से परिवार से एक नॉर्मल से स्कूल से पढ़े हुए हनीफुद्दीन कैंगरूस कितने ऐसे शहीद कितने ऐसे भारत माता के सपूत कहाँ कहाँ से निकल कर आए हीरे और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े परिवार बहुत बड़े स्कूल में जाने की आप अच्छी स्कूल की अच्छे संस्कार लेकर आए अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसा विश्वास हमारे यंग ऑफिसर्स में हमें हो गया और कारगिल की लड़ाई एक्चुअली में लड़ाई थी छोटे लेवल की टुकड़ियों की प्लाटूंस की बटालियंस की छोटी छोटी टुकड़ियों की जिन्होंने उस जीत को हासिल किया और देखिए मुशर्रफ ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया था अपनी तरफ से कि सियाचिन की जो लाइफ लाइन है उसको काट काट दिया जा बहुत बढ़िया प्लान था पर टेक्टिकली ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिकली फुलिश आगे की सोच ही नहीं उस और हिंदुस्तान की सेना के हाथ बांध दिए गए थे आप एल क्रॉस नहीं कर सकते थे अलाउड नहीं था जिसकी परमिशन नहीं थी उसके बावजूद पहाड़ियों पे चढ़ के चढ़ के छोटी छोटी टुकड़ियों से हमने उनको कदेड़ा निकाला और एक ऐसी मिसाल पेश की और एक और चीज जो आपको ध्यान में लानी चाहिए मैं आपके संज्ञान में या आपके जहन में लाना चाहता हूं कि हेयर वॉज अ सिचुएशन कि पाकिस्तान ने अपने शहीदों को डिसोन कर डिसोन कर दिया था वहां पर उन्होंने नदन लाइट इन्फेंट्री को मुजाहिद के no. रोल में लगाया और वो शिया मुसलमान थे बेचारे शिया होना क्या कोई गुनाह है पाकिस्तान में क्योंकि आप सुन्नी मेजॉरिटी हैं तो आप शिया के साथ ऐसा करोगे उनकी बॉडीज़ को भी क्लेम नहीं किया हिंदुस्तान की सेना ने उनकी बॉडीज़ को भी इज्जत दी और ये लड़ाई कोई एक कम्युनिटी की नहीं थी कैंगरूज क्रिश्चियन हैं हनीफुद्दीन मुसलमान परिवार के हैं और ग्रनेडियर्स की जो बटालियन ने अटैक किया उन्होंने जो नारा लिया था वो अल्लाह अकबर का नारा लिया था क्योंकि वो क्याम खानी मुसलमान थे तो हर तरह के लोग थे इसमें नागा थे क्रिश्चियन थे तो हिंदुस्तान का जो कम्पोजिट कल्चर था वो कारगिल में एक बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पे पेश हुआ और पूरे वर्ल्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जहाँ तक माउंटेन वॉरफेयर है छोटी टैक्टिकल लड़ाइयाँ हैं हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते सर so, जो भी आपने बात करी कि फ्लेवर था हर हर धर्म का यही हमारा अगला सवाल भी है जो लोग हमारे देश को चलाते हैं यानी पॉलिटिशियंस उनके लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं रीजन रिलीजन या कलर के बेस पे हिंदू वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक क्रिश्चियन वोट बैंक पंजाब का हरियाणा का यूपी का क्या इंडियन आर्मी के लिए भी हम ऐसे ही टुकड़ों में बटे हुए हैं बिल्कुल नहीं हिंदुस्तान की आर्मी ऐसे टुकड़ों में बिल्कुल नहीं है देखिए जब गलवान घाटी का भी इंसिडेंट हुआ पी पी का तो मुझे भी टी चैनल पर बुलाया मुझे बहुत बुरा लगा वो बार बार वोट बैंक को देखकर बिहार 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 करे जा रहे थे लेकिन लकीली हमारे पीएम साहब जब गए मोदी साहब उन्होंने बोला भी कि ये कंपोजिट था क्यों हुआ ऐसा क्यों बोलना पड़ा क्यों ये बात सामने आई क्योंकि कुछ दिनों के बाद पहले तो सभी टीवी चैनल्स ने शुरू कर दिया था बिहार बिहार क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वोट बैंक ढूंढ लो वहां पर लेकिन हुआ क्या 16 बिहार के ट्रुप्स गए लेकिन जब आसपास की टुकड़ियों को पता लगा कि उनके ऊपर चीनियों ने धोखा किया है तो थ्री पंजाब थ्री फील्ड मीडियम रेजिमेंट एक और मीडियम रेजिमेंट सिग्नल्स मेडिकल कोर तमाम सिपाही खड़े हुए एक सिपाही गुरतेज सिंह पंजाब के या पंजाब में चार शहीदों के शव आए हैं एक हिमाचल के हैं गुरतेज सिंह ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह से किसी का भी कंपैरिजन करना बहुत गलत बात है लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के दिए हुए मार्ग पर शानदार तरीके से चलना भी बताने लायक है उस आदमी ने गुरु गोविंद सिंह जी का जो नारा था सवा लाख से एक लड़ाऊँ तो सिंह उसको, उसको उसने साक्षात करके दिखा दिया उस आदमी ने ऐसा कहर बर पाया वहाँ पर कि चीनी उसको बहुत यह आसानी से भूल नहीं पाएंगे तो हमारे देश में फ़ौजों का तो आप मानेंगे नहीं मेरी रेजिमेंट में एक मुसलमान अफसर थे जो कि सिख स्कॉडन में थे वो अरदास सबसे अच्छी तरीके से और सबसे ज़ोर से बोलते थे जब मैं यंग अफसर के तौर पे आया तो मैं तो राजपूत स्कॉन्ड में था और जब हम आरती गाते थे तो जवान जान के रुक जाते थे क्योंकि वो मेरा इम्तिहान लेते थे कि साहब को आरती याद भी है कि नहीं है और मुश्किल वाली आरती देखिए दो आरती होती हैं जय जगदीश वो तो आसान है पर दुर्गा माता की आरती आप करके देखिए आसान नहीं है तो जब हम वो आरती करते थे तो जवान जानबूझ के चुप हो जाते थे एक सिग्नल था उनके बीच में कि साहब की परीक्षा लेते हैं और जब मैं चलता रहता था तो वो फिर जोश से ज्वाइन कर लेते तो हमारा तो कल्चर और अच्छी बात है इसको हमको बना कर सर कारगिल की बात हो गई पॉलिटिक्स की बात हो गई सब सीरियस टॉपिक हो गए हमारा चैनल एक नया चैनल है हमारी जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है तो हम कुछ ना कुछ एक फन कुछ करना चाहते हैं आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहते हैं इफ़ यू परमिट सिंपल रूल मैं एक लव्स बोलूंगा एक शब्द बोलूंगा जो पहली चीज आपके दिमाग में आए वो बोलिए बिना टाइम लिए ओके इंडिया कमिटमेंट पॉलिटिक्स आई हेट इट

जो आने वाला जीवन है उसका उसको कुछ सार्थक बनाया जा सके देखिए मैं आपसे एक ही चीज़ अनुरोध करूँगा कि अब जो लड़ाई है ना वो बॉर्डर्स पे नहीं है आप अगर सोच रहे हो कि लड़ाई सिर्फ लद्दाख में होगी ऐसा नहीं है लड़ाई कहीं भी आ सकती है देखिए पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ अक्षरधाम मंदिर पे भी अटैक हुआ मुंबई में ट्राइडेंट और ताज पे भी अटैक हुआ गुरदासपुर के दीनानगर के अंदर पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हुआ पठानकोट के एयरबेस पे भी अटैक हुआ तो आज जो टेररिज्म है वो आपके घर में कहीं भी आ सकता है तो हम सबको पहली चीज़ करनी चाहिए जिसको मैं कहता हूँ जागरूक हिंदुस्तानी एक ऐसा हिंदुस्तानी जो जागरूक है जो ध्यान रखता है अपनी आसपास की जगह का जैसे कि अगर मेरे पड़ोस में कोई संदिग्ध या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो मैं उसकी सूचना करेक्ट एजेंसी को दूँ दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सबको नागरिक की बनना पड़ेगा सिटीजन वॉरियर हर एक आदमी देश के लिए कंट्रीब्यूट करे बेकार का ही आजकल कल्चर चला है सोशल मीडिया के थ्रू जोश हाउज द जोश यार जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है ऐसे ही बेकार ही किसी बिना किसी मतलब के चीनियों को गाली देते रहना ऐसे ही मसल फुलाते रहना ऐसे कुछ नहीं होने का फौज अपना काम कर रही है करने दो आप जापानियों से सीख लें जब जापानियों को गुस्सा आता है मैंने सुना है कि वो क्या करते हैं अपनी इंडस्ट्री में काली पट्टी बांधते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं अगर दिन में चार कारे बना रहे हैं तो पाँच बना देते हैं तो हमारे ऊपर मुश्किल आ पड़ी है हमने चीनी सामान से बचने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी है अपना प्रोडक्शन अपनी स्टडी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाएँ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक एस सीरियसली सीरियसली टेक हमारे देश की जो पोटेंशियल है उसके लिए राइज करना होगा थैंक यू जय थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच लाइक द आवी मैन ऑलवेज एन आवी मैन सेम एंथियाजम सेम एवरीथिंग थैंक थैंक सर और कुछ चाहता ही नहीं है